स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक नई वीडियो में। मैं हूं कोलंबो द कैपिटल सिटी ऑफ श्रीलंका, और श्रीलंका में आज ये मेरा तीसरा दिन है। मेरे साथ में है मदन भाई जो कि मेरे को एयरपोर्ट से लेने आए थे। आप लोगों ने वीडियो में देखा, आप लोग बोले मदन भाई से मिलो दोबारा, बहुत अच्छे आदमी है। तो मैंने इन्हें फेसबुक पे ऐड कर लिया था पहले दिन, मैंने इन्हें मैसेज करा कि भी दोबारा मिलते हैं और अपन साथ घूमने चलते कहीं कोलंबो में। आपने मेरी वीडियोज में देखा कोलंबो की सिचुएशन कितनी खराब है, पेट्रोल नहीं मिल रहा। श्रीलंका में लोग 6-7 दिन तक लाइनों में लगे हुए पेट्रोल की वेट में, और कई लोगों की मौत भी होगी। इस तरह लोगों की लड़ाई होती है आपस में, तो काफी बुरा माहौल है। लेकिन इसका एक तरीका है, अगर आप टूरिस्ट है, टूरिस्ट कैन गेट पेट्रोल डायरेक्टली। तो मैं और मदन भाई नाउ वी आर हेडिंग टू द फ्यूल स्टेशन टू गेट पेट्रोल। मदन भाई ने मेरे को बोला कि तुम अपना पासपोर्ट साथ लेना तो हमें पेट्रोल मिल जाएगा, क्योंकि ब्लैक में पेट्रोल मिलता है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल? 2500 श्रीलंकन रुपीज, एक इंडिया के रुपए में अभी का जो रेट है 4.5 श्रीलंकन रुपए होते हैं, जबकि मार्च 2022 से पहले एक इंडियन रुपए में 2.5-3 श्रीलंकन रुपए होते थे। अभी इधर बहुत ही बुरा फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होगी, इनकी करेंसी बहुत कमजोर होगी, देश के पास फॉरेन करेंसी नहीं है फ्यूल मंगाने के लिए, गैस इंपोर्ट करने के लिए, तो ये सब चीजें बहुत शॉर्टेज होगी और ब्लैक में बिकने लग रही है। इंडिया के आप लगा लो 2500 इज लाइक इंडिया के 600 रुपए का एक लीटर तेल आप देखो यहाँ पे मिल रहा है, तो उसमें कहाँ से टैक्सी वाले बचत कर पाते होंगे। मदन भाई भी क्या है, टैक्सी चलाते हैं। नाउ डेज आर यू वर्किंग और नो? नाउ टुडे नॉट वर्किंग, नाउ स्टार्ट यू स्टार्टिंग विद मी। सो with this much expensive petrol it must be very hard to save money. Yeah that's why it's problem. So that's why I can't take outside black petrol. So I will put petrol in directly petrol bank. So we now go to the petrol bank. Okay. We can put you have passport? No. Yes, so I brought my passport. You can carry the petrol. So usually there is waiting for how many days? For petrol? Normally 5 days. 5 days. You see that number also. My number also, yeah. That are 458. Oh. Something. One day you can find out 100 vehicle only car. Oh. So 5 days something we can put petrol. तो मतलब 5-6 दिनों में नंबर आता है, और अभी भाई का 450 नंबर है तेल भरवाने के लिए लाइन में, और सड़क पे जगह जगह लाइन लगी रहती है पेट्रोल स्टेशन। मतलब ये साथ में मेरे समुद्र आप देखो, और रोड पे आधी रोड तो ये रोड गाड़ियां चल रही है, बाकी आधी रोड पे ऐसे गाड़ियां लगी मिलेंगी हमेशा। ये है पेट्रोल पंप की लाइन, ये सारी गाड़ियां तेल भराना चाह रही है, और ये बस एक अच्छी चीज लगी मेरे को, गलियों में खाली छोड़ देते, थोड़ा मैनेज्ड है जो लाइन लगी हुई है। ये सारी गाड़ियां आगे कहीं ना कहीं कोई पेट्रोल पंप होएगा, उसमें जाने के इंतजार में, तेल भरवाने के इंतजार में, कई दिनों से खड़े हैं, कई घंटों से खड़े हैं, कोई गाड़ी में ही सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गाड़ी लगा के चला गया है। तो फिलहाल ये सिचुएशन है। बस क्योंकि हम टूरिस्ट हैं तो हमारे पासपोर्ट की वजह से हमें जल्दी पेट्रोल मिल सकते हैं, तो ये एक लूप होल है। अभी हम देखते हैं जाके क्या माहौल है और कैसे हमें पेट्रोल मिलता है। बट मदन भाई, यू आर स्टिल स्माइलिंग इवन आफ्टर दिस बैड सिचुएशन, यू आर स्टिल हैप्पी? या व्हाटएवर यू नो, नॉट क्राइंग यू नो, व्हाटएवर इज हैप्पी या गुड, ऑलवेज गुड, आई लाइक इट। या थैंक यू। मदन भाई भी एक हिंदू है, मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं हूँ, पर जानकर अच्छा लगा कि श्रीलंका में एक काफी डोमिनेंट पॉपुलेशन है हिंदूज की भी, और जो पहले इंसान मुझे मिले श्रीलंका में वो तमिल हिंदू थे, मदन भाई। ये देखो ये अब ये लाइन है, अपन पहुंचेंगे आगे, कई किलोमीटर आगे होगा पंप, उधर पहुंच के अपन डलवाते मदन भाई गाड़ी में पेट्रोल। ये लाइन लगी हुई है लगातार नॉन स्टॉप, आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा होगा, मैंने लोगों से बात भी करी कि भी आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं, क्या हालात है, आपको कितना टाइम हो गया, और लोग परेशान थे बहुत ज्यादा। अभी फिलहाल मौसम ठीक है, इधर थोड़े आज बादल हो गए, अभी हुआ आधे घंटे से, नहीं तो इतनी यहाँ पे तेज धूप है ना, और ऊपर से साथ में ही समुद्र है उस तरफ, तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, और धूप ये सहन नहीं होती इधर वाली। एसी से बाहर निकलोगे एक मिनट के अंदर पसीने आने लग जाते हैं। मोस्टली क्या करते हैं, ऑटो वाले ज्यादा लगते लाइनों में, और ये बेचारे क्योंकि ऑटो तो कोई लेता नहीं, इतने महंगे रेट हो गए तेल के, तो कहाँ से पूरा करेंगे, तो ये तेल खरीद के ब्लैक में भेज देते हैं ड्राइवर्स को, टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह को, या कोई अमीर आदमी है उसे ज्यादा जरूरत है गाड़ी चलाने की। वो देखो ट्रेन समुद्र किनारे, दैट सी राइट एंड ट्रेन राइट नेक्स्ट टू इट, क्या खूबसूरत नजारा है यार ट्रेन का, वैसे देखो समुद्र के बिल्कुल किनारे किनारे चल रही है, शानदार, वेरी ब्यूटीफुल व्यू। तुम मदन भाई, डू यू प्लान टू मूव टू एनी अदर कंट्री?
maybe I will try move to any country. Okay. You know, which country? No problem, we will stay here. Uh-huh. But many more problem in Sri Lanka. Yeah. We can't wait here. Even go some country. Even Indians nowadays want to go out a lot to move to other country. Yeah. In last 5 years, many Indians moved out of India. Okay. In Sri Lanka also same like that. Yeah. You know, you go to airport, departure is so many people outside. Yeah, true. Either in Dubai or Middle East country or Europe, whatever, we go say there. Yeah. That's why problem now in Sri Lanka. Have you ever been to India? Yeah, I will one time, I'll bring in the India. Before you have been there? Yeah, one time. Where? In Chennai. Chennai? Yeah. Oh, so you spoke Tamil there? Yeah. I'm almost Tamil. Tamil. But I will speak Tamil, Sinhala, Hindi, English and Hindi. Thoda Hindi bol ke dikhao. Thoda Hindi bol ke dikhao, Madan bhai. Yeah, and I will asking tomorrow naam kya hai, mere naam and whatever. Madan hai. Yeah, Madan. आपकी एज कितनी है? या आपकी एज 30 है. 30. 30. ओह वाह. ये देखो भाई लाइन. ये रोड, अभी तो रोड पे ट्रैफिक नहीं है, पर साइड में लाइन देखो आप. ये देखो, ये बाइक वाले बाइक खड़े करके यहीं पे इंतजार कर रहे हैं. ऑटो वाले गाड़िया. दरअसल कायदे के हिसाब से तो मैं भी इस लाइन में लगना था और 4-5 दिन इंतजार करना था, पर क्योंकि मैं टूरिस्ट हूँ तो टूरिस्ट के लिए एग्जेम्पशन है, आप जाके डायरेक्टली पेट्रोल ले सकते हैं. तो हम पासपोर्ट लाए हैं मेरा साथ में, और ये पंप पे हम आगे पूरी लाइनों को क्रॉस करते हुए. अभी तक तो हमें किसी ने रोका नहीं, अब देखते हाउ कैन वी एंटर. देयर इज अ बिग क्यू देयर. या वेट 1 मिनट. यू विल गो? या आई विल गो. यू गिव योर पासपोर्ट. कैन आई आल्सो कम? या यू आल्सो कम. ओके, तो अपन भी चल के देखते हैं. तो भाई पासपोर्ट ले लिया है मदन भाई ने. ये पंप है सामने, वो लाइन है देखो आप. ये अपन चलते हैं. We go another station. Oh, any other petrol pump? Near the search is some petrol pump. Yeah. In black or? No. We go black petrol pump. Okay. तो ये पंप वाले तो बोल रहे हैं भाई तेल है ही नहीं हमारे पास, कहाँ से दे दे. रिक्वेस्ट भी करी कि इंडिया से आए हुए हैं, पर कोई नहीं, दूसरे पंप पे जाके देखते हैं. तो ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर पहले आते तो हम दे देते, पेट्रोल ख़त्म ही हो गया हमारा, लास्ट की एक दो गाड़ियों के लिए बच रहा है. तो आपको एकदम साथी एकदम कैसे दे दे, बाकी लोग कई घंटों से कई दिनों से लगे हुए हैं लाइनों में. इनकी बात भी ठीक है यार, क्या कर सकते हैं. Last moment, that's why we don't have petrol. Yeah. So we can check another petrol pump. Okay. Yeah. आप लोग सोच रहे होगे यार तू ये पेट्रोल की लाइन ही दिखाया जा रहा है क्या बार बार, पर मैं क्या करूँ यार, सबसे पहले निकलती ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ही है, वो ट्रांसपोर्ट के लिए पेट्रोल ही नहीं है, तो मैं आगे कैसे पहुँच के कुछ दिखाऊँ. तो ये परेशानी काफी हो रही है. ये सारे तेल के इंतजार में बस भी कार्स भी टू व्हीलर्स भी है, लेकिन वो आगे दिखेंगे फुटपाथ पे. तो मदन भाई क्या करेंगे अब इस पेट्रोल पंप पे ट्राई करेंगे पूछने की, वो देखते हैं. तो क्योंकि पंप्स पे बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगी, लोगों की जाने भी जा चुकी, तो पुलिस को आप देख सकते हो पंप्स पे पुलिस तैनात रहती है. सेम लाइक दैट. सेम प्रॉब्लम. सेम प्रॉब्लम. लास्ट मोमेंट 1000 लीटर ओनली हैव. 1500 समथिंग. मे बी बिकॉज वी आर लेट, इट्स लाइक एंड ऑफ द डे नाउ 3:30 और समथिंग. दिन के 3:30 बजे अभी. या दैट मैन इज सेइंग आई गो टू टूरिस्ट पेट्रोल पंप आल्सो हैव देयर नियर. ओके, यू कैन पुट इट देयर आल्सो. ओके, तो एक और कोई पंप है टूरिस्ट पेट्रोल पंप पे बोल रहे हो उसे? नियर द एयरपोर्ट पेट्रोल पंप. ओके, स्लाइवेल. तो एक और ट्राई कर लेते हैं भाई. या गवर्नमेंट ने ना रिस्ट्रिक्शन भी लगा रखी है कि आप एक बार में कितना तेल ले सकते हो. तो मदन भाई ने बताया कि 15 लीटर से ज्यादा एक बार में नहीं डालते, और हफ्ते में शायद 30 लीटर का है. और 15 लीटर अगर आप लाइनों में लग के इतने दिन इंतजार करके आपको मिल जाता है तेल, तो उसकी कीमत होती है 7000 श्रीलंकन रुपए. एक इंडियन रुपए में 4.5 श्रीलंकन रुपए होते हैं, तो यानी कि 1500 रुपए में 15 लीटर तेल इन्हें मिल जाता है. वही ऑलमोस्ट अपने इंडिया वाला ही रेट, 100 रुपए पर लीटर लगा लो, 100, 102, 3 रुपए. पर वो तब है जब आप नॉर्मल पेट्रोल पंप से ले रहे हो,
और उसके लिए कई दिन इंतजार करना पड़ता है, वो नहीं मिलता तो इसलिए ब्लैक में खरीदा जाता है आमतौर पे 5-6 गुना रेट दे के 600 रुपए लीटर। तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वाला पंप है श्रीलंका में, IOC लंका IOC के नाम से। हम इस पे ट्राई करते हैं, अब हमें इस पे तेल मिलता है तो। हर पंप की तरह इधर भी पुलिस तैनात है, आप देख सकते हो जैसा वो जाने लग रहे मदन भाई। ये गए पुलिस वालों से बात करने, मेरा पासपोर्ट लेके। तो भाई वो पुलिस वालों को पासपोर्ट दिखा रहे हैं और पुलिस वाले मेरे को घूर के देखने लग रहे हैं वहां बाहर से कि सही में कोई टूरिस्ट है नहीं। बात करने लग रहे हैं मदन भाई, समझा रहे हैं उनको, पर शायद मना ही कर रहे हैं। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मदन भाई, वो यूं नाड़ी ला रहे थोड़ी यार, क्योंकि बिना तेल के हम कहीं नहीं जा सकते, मतलब पैदल जा सकते पर आज ना बारिश का मौसम दिखा रहा था और बूंद अभी स्टार्ट हो भी गई, वरना मैं पैदल भी कहीं चला जाता, पर इतने किलोमीटर पैदल पहुंचूंगा तो रात हो जाएगी। ये अभी दूसरे पुलिस वाले आए हैं, कुछ समझाने लग रहे हैं, पता नहीं। मान गए शायद कि इसके लिए, या पता नहीं क्या बात हुई, अंदर लेके जा रहे मदन भाई को। What did they say? Airport set. Airport? Airport. Airport. With there we can find? They'll find that people also saying go to airport set. Okay. तो भैया अब एक और पंप पे जाके करते हैं ट्राई। Try and try, one day you can fly. जिसको नहीं पता होगा कि श्रीलंका एक्चुअली किस चीजों के लिए जाना चाहता है और वो सिर्फ अभी आए एक दो दिन देखे तो वो सोचेगा इधर सिर्फ यही है, गाड़ी वाले गाड़ी लगाए खड़े और इंतजार करते और कुछ भी नहीं है शायद। यहाँ भी भीड़ सी इकट्ठी हो रखी है बहुत, इधर ट्राई करेंगे अब अपन। साई पेट को नाम का ये स्टेशन है, एक और बार किस्मत आजमाने चले गए मथन भाई। मैं जाके रिकॉर्ड तो कर सकता हूँ पर वैसे बस दिक्कत ये है कि वो ना ऑफेंड से ना हो जाएगी भी वीडियो बना रहे क्या होता ना दे तेल, और इस वक्त जरूरत है हमें काफी ज्यादा, तो हमने डिसाइड करा यही ठीक है कि मैं गाड़ी में इंतजार करता हूँ, मदन भाई पूछेंगे जाके। तो भाई मान गए फाइनली हमें तेल मिलने वाला है, यहाँ पे तेल मिलना मतलब हीरे मिलना है, सोने भी नहीं हीरे मिलने के बराबर है। Getting fuel is like getting diamonds. Yeah, fuel is diamond. ये लोग बेचारे सारे देख रहे होंगे, थोड़ा चिढ़ तो रहे होंगे कि भी कौन है ये गाड़ी एकदम से लेके जाने लग रहा है डायरेक्टली, पर यार मेरे को ना अच्छा भी लग रहा है बुरा भी लग रहा है कि मतलब अच्छा तो लग रहा है कि हमें जल्दी तेल मिल रहा है, बुरा मेरे को इन लोकल्स के लिए लग रहा है, ये बेचारे खड़े होंगे कब से, अब हमारे बीच में से लेके और निकल लेंगे तो बेचारों को बुरा तो लगेगा इनको, मुझे भी इनके लिए लग रहा है, खैर कोई नहीं चलो क्या कर सकते हैं। That policeman is coming. Say pass. You can give the passport. Okay. Give the passport. Yeah, pass. This one is old passport. This is the new one. Visa sticker with hair is the, it should be the visa sticker. Is it Korea or Sri Lanka? Thank you. तो भाई पुलिस वाले आए और हमारा पासपोर्ट देख के हमें बोले आ जाओ, और ये लोग जो इंतजार कर रहे थे अब इनको हटा के अपने को ही लेके जाने लग रहे हैं, सामने इन्होंने लगा रखी थी ये जेड़ी सी और अब हमारी गाड़ी लेके जाने लग रहे हैं। सारे लोग देख रहे हैं बुरी नजरों से, यार मेरे को बुरा लग रहा है इनके लिए। ओ भाई अगेन पासपोर्ट, So fast. But I feel bad for those people waiting for so long. QR? A passport. A tourism guy. This is
They saw my Korean stamp. It's not even Sri Lankan. The Sri Lankan stamp is here. थैंक यू. तो पहले वो पुलिस वाले ने मेरी कोरिया की स्टैंप देखी थी, वो सिमिलर सी है वो भी कुछ ऐसी, और वो देख के जाने दिए, ध्यान ही नहीं दिया, श्रीलंका ही नहीं थी, कोरिया की थी. आ गई भाई, जब भाई इतनी जबरदस्त फीलिंग लग रही है ना तेल भरवाने की. उधर वो देखो लाइन, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे फ्री में सोना देने लग रहे हैं मेरे को. देखते हैं ये कितने लीटर देंगे अपने. अब क्योंकि हमने ब्लैक में नहीं लिया ना तेल, तो नॉर्मल रेट पे मिल जाएगा जो कि है 450 रुपये लीटर, यानी कि इंडिया के 100 रुपये का एक लीटर. और मेरे ख्याल से 15 लीटर से ज़्यादा नहीं डालेंगे, पर देखते हैं अपन कितना डालते हैं. जितना ज़्यादा डालते उतना ही फ़ायदा है, क्योंकि दोबारा तो भाई को मिलने वाला नहीं. अभी तो मिल गया मेरी वजह से, 15 से भी ज़्यादा हो गया भाई. ये तो इन तो खूब डाल दिए ना, इन तो डाल ही जा रहा है भाई. 15.5 लीटर डाला, अच्छा 7,000 रुपये का श्रीलंकन रुपये. वही इंडिया के 1,550 रुपये का तेल डाल दिया, 15.5 लीटर. आज भाई इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू ही सही में बहुत ज़्यादा दिल से. इंडियन पासपोर्ट वैल्यू है. यूजुअली इट्स वेरी हार्ड टू ट्रैवल विद इंडियन पासपोर्ट. हर देश के अपने को वीज़ा चाहिए होता है, दिक्कत होती है थोड़ी. और इंडियन पासपोर्ट देख के इमिग्रेशन वाले भी थोड़ा ज़्यादा पूछताछ करते हैं, क्योंकि अपने इंडियंस थोड़े बदनाम है इलीगली जगह और देशों में जाके सेटल होने के लिए. पर आज तो इंडियन पासपोर्ट ने मौज करा दी. थैंक यू. ओके, वी पुट पेट्रोल नाउ. नाउ यू शुड थैंक मी. या, थैंक यू. थैंक यू इंडिया. थैंक यू इंडिया. नाउ पुट पेट्रोल. भाई के हमने 6 दिन बचा दिए. या, नाउ कांग्रेचुलेशन. अब कितना तेल हो गया भाई की गाड़ी में, हमने भरवा दिया तेल, 0.25 लीटर होगी भाई की टंकी. गाड़ी से. तो ये थी भाई वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया कैसे हमने तेल खरीदा बिना लाइन में लगे, एक हफ्ता बचा के डायरेक्टली तेल ले लिया. और आपने देखा कैसे सड़कें यहाँ पे भरी पड़ी है लाइनों से, बहुत ही बुरा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस से श्रीलंका गुजर रहा है. कुछ ही दिन पहले ही, आज से ठीक 12-13 दिन पहले, इनके जो प्रेसिडेंट थे वो देश छोड़ के भाग गए. इनके प्राइम मिनिस्टर के घर में लोगों ने आग लगा दी, घर पे कब्जा कर लिया. प्राइम मिनिस्टर पहले रिजाइन कर चुके थे. बहुत लंबा ये प्रोटेस्ट चलता आ रहा है इनकी सरकार के खिलाफ. सरकार के पास फॉरेन करेंसी थी नहीं, तो फ्यूल इंपोर्ट भी नहीं हो पा रहा था. बहुत ज्यादा शॉर्टेज है हर चीज की, बहुत ही भूखमरी मारामारी सी. पर एक चीज मेरे को अच्छी लगी श्रीलंकन लोगों की, ऑटो ड्राइवर को पता है कि भी तेल इतना महंगा हो गया, टैक्सी वालों को पता है इतना महंगा हो गया, पर फिर भी मेरे साथ किसी ने भी ओवरचार्ज करने का ट्राई नहीं करा, स्कैम करने का ट्राई नहीं करा, ना किसी रेस्टोरेंट वाले ने, ना रिक्शा वाले ने. ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी श्रीलंका देश की. और अपन इंडियंस को भी इस चीज से सीखना चाहिए. यहाँ पे रोड सब वैसी है, लोग भी अपने जैसे सही दिखते हैं श्रीलंका के. पर मुझे सही बताओ ना, ये फील हुआ कि श्रीलंका टूरिस्ट के लिए ज्यादा सेफ है और यहाँ के लोग ज्यादा ऑनेस्ट है अपने से. अपना देश लगा लो, कोई भी देश लगा लो, कोई टूरिस्ट दिखता है तो लोग सोचते हैं ये चलता फिरता एटीएम है, लूट लो इसे. तो यहाँ मेरे को ये चीज नहीं लगी, लोगों की बहुत अच्छी बात थी है. तो चलो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं. अगली वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय.